तो दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि फिलहाल ये जो आप चौराहा देख रहे हैं ये आपका मुनारी बाजार का चौराहा है। ये मुनारी बाजार का चौराहा है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता चला जाता है आपका बेला, ये रास्ता बेला की तरफ जाता है, मेन रोड है, बेला की तरफ चला जाता है। और जो हमको कमेंट किए थे वो आर्टिफिशियल ऑफिशियल करके उनका जीमेल अकाउंट था, उन्होंने मुझे स्पेशली कमेंट किया था उन्होंने कि आप मुनारी बाज़ार का एक फ्रेश वीडियो बनाइए। तो मैं उन्हीं को बात को मानते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। उन्होंने इस वीडियो में मेंशन करने के लिए कहा है कि यूनियन बैंक को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए मैं यूनियन बैंक की तरफ चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि यूनियन बैंक आपका कहाँ पर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिलहाल ये मार्केट लगी हुई है, यहाँ से वहाँ पूरा मार्केट ही मार्केट है। और यहाँ पे एक क्लिनिक है जहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं और हेयर सैलून करके है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यूनियन बैंक की तरफ। और तो चलिए आपको दिखाते हैं यूनियन बैंक के पास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यूनियन बैंक है और यूनियन बैंक का वहाँ पे एटीएम है। और आप देख सकते हैं बगल में मिनी मार्ट करके कपड़े की दुकान है। तो ये ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मुनारी एक देखा जाए तो ग्रामीण जगह है। तो ग्रामीण जगह के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भट्टा है क्योंकि वाराणसी से सटा हुआ ये जगह है। तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है, ज़रूरत के कपड़े की दुकान जैसे मोबाइल की दुकान सारी है। जैसे देखिए एक कटरा है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, अपना अगल बगल के भट्टाएँ चलती हैं। तो भट्टा को एक दिन के लिए मौका मिलता है तो संडे को यहाँ पे मार्केट लगता है बहुत ज़्यादा, यहाँ भीड़ लग जाती है। मैं कभी अपकमिंग वीडियो बनाऊंगा यहाँ का तो आपको दिखा दूंगा कि भट्टा मार्केट जब लगता है क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पान की दुकान लगी हुई है, उधर मीट की दुकान है, सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये फास्ट फूड की दुकानें भी है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हो वो सब कुछ यहाँ मिलती है। मुनारी बाज़ार देखा जाए तो ऑब्वियसली एक वाराणसी का एक आपको उत्तर दिशा में पड़ता है, जो जिसकी दूरी सारनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए मैं आगे चौराहे की तरफ आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ मुनारी बाज़ार में, आप देख रहे हैं ये बेला रोड है। तो यहाँ पर मैं एक सेलफोन मार्केट की तरफ आ चुका हूँ, जैसा आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे हम ये हैं अनुज मोबाइल करके। इनका दावा है कि ये ऑनलाइन से भी सस्ता सेलफोन देते हैं, ऑनलाइन से भी सस्ता सेलफोन देते हैं। तो इनका कुछ दुकान ऐसा है, आप देख सकते हैं ये अनुज जी हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे स्टाफ भी हैं और दुकानदार भी हैं। तो देख लीजिए आपके जब भी यहाँ पर आइए, आपको कोई भी स्मार्टफोन लेना है तो ज़रूर लीजिए क्योंकि ये जब कह रहे हैं कि हम सस्ते सस्ता मोबाइल देते हैं। तो दोस्तों हम फिलहाल मुनारी चौराहे के बिल्कुल टॉप पे हैं। ये रास्ता आप देख सकते हैं ये सारनाथ चला जाता है और ये आपका सादा सीधे रास्ता चला जाता है एयरपोर्ट की तरफ। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये बेला रोड जो चला जाता है फिर आगे ये मार्केट जो है आपका देख रहे हैं, इधर सीधे यहाँ पे रौनक कला लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये चौबे पुल लिखा हुआ है, ये सारनाथ आपका इधर पड़ेगा जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी है लेकिन बोर्ड पर लिखा हुआ 12 किलोमीटर। तो यहाँ कैसे कुछ ऐसा लोकेशन है। यहाँ मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयों की दुकान खुल चुकी हैं, यहाँ पे मिठाई की दुकान आप देख सकते हैं और यहाँ फल की दुकानें लग चुकी है। मैं ऐसे ही वीडियो में आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ मार्केट में कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे है। आगे देख सकते हैं वहाँ मिठाई की दुकान लगी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्णा कलेक्शन करके है मुनारी चौराहा। कस्टमर है इनका। तो दोस्तों ये जोक से पाठे लोग यहाँ पे हम आए हैं वीडियो शूट करने और बहुत हमको यहाँ पे प्यार दिया जा रहा है जैसा आप देख सकते हैं। अपने दूध लेकर भी फाड़ते हैं और करते हैं, बहुत ताप बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्वागत बर्फी के साथ किया गया और मैं भी जस्ट बर्फी खाया और पानी पिया। तो चलिए मैं आगे आपको वीडियो में दिखा देता हूँ मुनारी का कुछ बाजार। बर्फी काफी अच्छा था यहाँ का। हाँ नहीं देखिए बर्फियाँ हर जगह मिठाइयाँ एक जैसी होती है लेकिन कारीगर का फर्क होता है, कारीगर के हाथ की जादू होता है तो हाँ बस अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बर्फी काफी अच्छी थी हमने खाया।
अब जैसे देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पे चौरसिया पान भंडार है और आगे का मार्केट है। दोस्तों हम फिलहाल चौरसिया पान भंडार की दुकान पे हैं, आप देख सकते हैं इनकी पान की दुकान है, काफी अच्छी साफ सफाई है पान की दुकान पे और एक कुछ ऐसा लोकेशन है आप देख सकते हैं। मुरारी मार्केट की बात की जाए तो बहुत ही प्यारा मार्केट है यहाँ पे और संडे को बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं। और आपको सारनाथ की तरफ अगर जाना है ऑटो से तो ऑटो को मैं अब दिखा देता हूँ, वो जो देख सकते हैं वो दो चार ऑटो लगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो सारनाथ में आज भी ये सिस्टम है कि जब तक ऑटो फुल नहीं होगा तब तक जाएंगे नहीं, तो उसमें एक व्यक्ति को तो लेके जाते नहीं है लोग, तो जब ऑटो में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं तभी जाते हैं। वो मुनारी में भी ऐसा होता है, जब सारनाथ आप जाएंगे तो सारनाथ में भी ऐसा होगा। तो यहाँ का भी जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वो अभी तक चला आ रहा है जैसा आप देख सकते हैं फिलहाल इस वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और फल की भी दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं। तो एक मार्केट देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र का मार्केट है लेकिन काफ़ी विकसित हो चुका है जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम भी हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये अखिलेश सोनकर जी का फल की दुकान है और इन्होंने कहा कि थोड़ा सा मुझे वीडियो में शूट कर लीजिए, तो हमने बोला क्यों नहीं शूट कर लेते हैं। और आके बाकी आप देख सकते हैं मुनारी मार्केट। तो दोस्तों एक बाइक राइड में दिखा देता हूँ मुनारी बाज़ार का, आप देख सकते हैं मुनारी बाज़ार है और यहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला क्योंकि हर कोई अपने दुकान का वीडियो बनाने के लिए कर रहा था और मैं मना भी नहीं करता, मैं बनाता भी हूँ। आप देख सकते हैं मुनारी का मार्केट है। ये आपका प्राइमरी स्कूल है मुनारी का।